हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे मिल्क केक, और देखना आप भी किस तरह से हम मिल्क केक बनाते हैं घर पे सिर्फ मिल्क से। चलिए करते हैं शुरू। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक कढ़ाई, और मैंने लिया है 1 लीटर दूध, अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। और हमें ध्यान रखना है कि ये धीमी आंच पे हो, मीडियम फायर पे हम करेंगे, और ये जले ना, इसलिए हमें इसको चलाते रहना होगा। इसकी रेसिपी जो है 1 लीटर से बनने वाले मिल्क केक की हम लोग यूज़ करेंगे आज, और 2 लीटर से मिलने वाली बनने वाली रेसिपी को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, और 3 से 4 लीटर दूध के मिल्क केक बनाने के लिए उसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। आज आप चाहे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिल्क केक बनाने के लिए हमें आज चाहिए है 1 लीटर मिल्क, जो कि ये गर्म हो रहा है। जब तक ये गर्म नहीं होगा इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे, और एक बार जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसको जलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और हमें चाहिए इसके बाद 1 टीस्पून या 1.5 बिग स्पून लेमन जूस। हमें चाहिए इसके लिए 150 ग्राम चीनी, और चाहिए हमें इसके लिए थोड़ा सा पिस्ता या कोई भी ड्राई नट जो आप यूज़ करना चाहते हो, और हमें चाहिए थोड़ा घी। तो इसको जब तक ये दूध उबल के आधा नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे इसी तरह से। आप देख सकते हैं दूध पक पक के आधा हो गया है, इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। अब इस थोड़ा थोड़ा साइडों में लगने भी लग गया है, ये देखिए इस तरह से जलने लगा साइडों में। इसको बार बार हम उतारते रहेंगे और दूध में मिक्स करते रहेंगे। दूध हमारा गाढ़ा भी होने लगा है, अब इसे हम अच्छे से पकाते रहेंगे धीरे धीरे। एकदम मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसे। देखिए किस तरह से इस पर इतना अच्छे से मोटी मलाई आ रही है। इसको हम बार बार मिक्स करते रहेंगे, साइडों से अच्छे से क्लीन करते जाएंगे ताकि ये जले ना। ये देखिए फ्रेंड, दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। चलिए जब तक ये पक रहा है तब तक हम और दूसरी सामग्री अपनी इकट्ठी कर लेते हैं जो हमें इसके लिए चाहिए है। इसके सारी सामग्री यहाँ पे है, हमने लिया है थोड़ा सा बादाम, आप चाहें तो पिस्ता भी ले सकते हैं, जो मर्जी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस। हलवाई जो है इसमें थोड़ा फिटकरी, आप लेमन जूस या टार्टरी जिसको बोलते हैं, या फिर लेमन सॉल्ट जिसे बोलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लिया है मैंने यहाँ पे चीनी और घी। घी हमें उसमें चाहिए चिकनाई मिल्क केक में, तो घी हम थोड़ा ऐड करेंगे। और एक चाहिए कंटेनर जिससे कि हम अच्छे से शेप दे पाएंगे, इस कंटेनर में बना के हम रखेंगे। तो इसको हम घी लगा लेंगे पहले ताकि चिपके ना, अच्छे से ऑयल या घी लगाएंगे हम। ये देखिए ये हमारे हो गए हैं सारी चीज़ें तैयार यहाँ पे। और चलिए अब देखते हैं अपने मिल्क को कितना हो गया तैयार। देखिए मिल्क हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए दाने दाने इस पे आ चुके हैं अच्छे से। अब जो है इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे थोड़ा लेमन जूस, नींबू का रस सिर्फ 1/4 चम्मच ही हम डालेंगे सबसे पहले, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसे, वरना ये फट जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, देखिए अभी भी ये बहुत स्मूथ है, थोड़ा थोड़ा दाने जैसा बनने लगा है। तो इसमें हम थोड़ा और लेमन जूस ऐड करेंगे, इस तरह से हमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा लेमन जूस डालना है। अगर ज़्यादा लेमन जूस भी हमने डाला तो ये खट्टा हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा भी लेमन जूस नहीं डालना है, हमें सिर्फ 1 बड़ा चम्मच डालना है। तरह से अच्छे से मिलाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, कुछ भी चीज हमें एक साथ नहीं डालनी है पूरी, चीनी भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए किस तरह से अच्छे दाने दाने बन गया है। चीनी हम पहले थोड़ा डालेंगे, अब इसको पकाएंगे अच्छे से। अगर एक साथ भी चीनी हमने डाला तो ये ज्यादा फट जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए है। जब तक ये चीनी अच्छे से मेल्ट होके इसमें मिक्स नहीं हो जाता हम दोबारा चीनी नहीं डालेंगे। देखिए चीनी डालने के बाद हमें 1 मिनट के लिए भी या कुछ सेकंड के लिए भी इसको नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू चलाते रहना है, वरना ये तुरंत जलने लगेगा
और जली हुई स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती इसमें। मीठा अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, मीठे में कोई दिक्कत नहीं होगी कम ज़्यादा डालने में। ये देखिए अब हम इसमें अपनी बची हुई चीनी भी डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से पका लेंगे। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी मैंने इसमें डाला है, चीनी डालते ही ये थोड़ा पतला हो जाता है क्योंकि चीनी जो पिघल के सिर्फ पानी जैसा सिरप मिल जाता है। तो इसको फिर से हम पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। मैंने ये नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाया है, अगर आपको इसमें रंग भूरा चाहिए तो आप सिर्फ इसे आयरन की या लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। ये एकदम सफ़ेद ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा पीलापन आया है बट ये लाल नहीं हुआ अच्छे से। लाल जो है लोहे की कढ़ाई में ही हो सकता है। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो ये मैंने नॉन स्टिक पैन में कढ़ाई में बनाया है, इसलिए इसका रंग लाल अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट तैयार। इसे पता है आपको कि अलवर का मीठा भी कहते हैं, अलवर का मावा भी कहते हैं, इसके कई और नाम हैं। इसे अलवर का मावा ही है, ये एक तरह से मीठा मावा होता है। देखिए ऑलमोस्ट पक के तैयार हो गया है इस तरह से। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है वरना ये बहुत सख्त हो जाएगा और खाने में मज़ा नहीं आएगा, चीवी जैसा हो जाएगा। इतनी मेहनत हमने करी है, ये देखें जब ये पक जाता है, जिस तरह से हलवा पक जाता है तो कढ़ाई को अपने आप छोड़ देता है, उसी तरह से ये भी कढ़ाई में चिपकना बंद हो जाता है। ये देखिए इसको एक दो मिनट और पकाएंगे, बस ये हो चुका है और हम इसे उतार देंगे। जिस कंटेनर में हमने घी लगा के रखा था उसी कंटेनर में हम इसको डाल देंगे। आप किसी भी शेप का कंटेनर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का जिसमें हम ब्रेड बनाते हैं वो वाला, या कोई भी शेप का आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे घर में जो अवेलेबल था बोल वही लिया है। मैंने सोचा थोड़ा और पका के इसमें लाल रंग थोड़ा सा आ जाए तो हमें अच्छा लगेगा। चीनी की वजह से बहुत जल्दी लाल रंग आने लगता है। बस दोस्तों ये हो गया तैयार। ये देखिए इस तरह से दाना दाना अलग दिखाई दे रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। बस अब हम इसको बर्तन में निकाल देंगे तुरंत। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम अपना इसको बर्तन में निकाल लेंगे। चाहे तो आप इसमें गार्निश अभी लगा सकते हैं। इस तरह से हम डाल देंगे इसमें और इसको भी दबा देंगे ताकि वो इसी की गर्मी में बादाम भी अच्छे से पक जाएंगे। और इसे अब हम एक ऐसे कपड़े में रख देंगे और अब हम इसको ढक देंगे 3 घंटे तक। हमें ऐसे ही बिल्कुल ढक के एक कोने में रखे रहने देना है। 3 घंटे बाद हमारा मिल्क केक रेडी हो जाएगा। इसको फ्रिज में या किसी ओवन में या रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल नहीं रखना है, इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है और उसके बाद हम देखेंगे 3 घंटे बाद किस तरह से हो जाएगा हमारा मिल्क केक तैयार। चलिए तब तक हम इंतज़ार करते हैं। अब हो गए हैं 3 घंटे इसको और मिल्क केक रेडी है। ऐसे ये दिख रहा है, इसको निकाल लेंगे हम। देखिए कितना अच्छा बन गया है, अब इसको काट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से दानेदार ये बन गया है, बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरह से हम इसको सजा लेंगे। आप चाहे जिस शेप में काट सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नई एक वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ। थैंक यू।